हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं साथियों आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स नोट सेट दो की नई और बड़ी अपडेट को लेकर वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सही और सटीक जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके देखिए साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं नोट सेट दो के लिए फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन का रिजल्ट जारी हो चुका है ज्वाइनिंग हो चुकी है लेकिन साथियों आज का जो नोटिस जारी किया गया है एम्स नोट शेड दो के लिए उसके अंतर्गत क्या बताया गया है पहले तो आप वो समझ लीजी, समझ लीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहेगा कि इस नोटिस का क्या मतलब है देखिए साथियों नोट शेड दो का पहला राउंड हुआ है उसके बाद ज्वाइनिंग दी गई है तो एम्स दिल्ली ने अभी इसी चीज़ का नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो नोट शेड दो का पहला राउंड हुआ है उसकी जो ज्वाइनिंग है उसका क्या स्टेटस है हालांकि हमने हमारे पहले पहले भी वीडियो में बता दिया था कि मार्च या अप्रैल तक आपको यहां पर जो नोट सेट दो है उसके पहले राउंड का जॉइनिंग स्टेटस है वो पता लग जाएगा उसके बाद साथियों आपका सेकेंड राउंड होगा सेकेंड राउंड कब होने वाला है अब सही और सटीक जानकारी यहां पर मिल जाएगी अपने को तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं आगे इसमें क्या दिया गया है तो देखिए साथियों यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि जो भी कैंडिडेट हैं जिनको एम्स अलॉट हुआ था पहले राउंड में और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है ज्वाइनिंग हुई है कि नहीं हुई है अभी भी ज्वाइनिंग के लिए वेटिंग टाइम ही चल रहा है तो सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं लेकिन अब एक जो ये लिस्ट जारी की गई है एक पेज यहाँ पर हैं साथियों इसमें आप सभी को यह बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट जिनको यह लग रहा है कि इसके अंदर कुछ और दिखाया गया है और हमारा स्टेटस अभी कुछ और है ज्वाइनिंग का देखे साथियों यदि आपको कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है या फिर आपको लगता है कि मैं तो ज्वाइन कर चुका हूँ अभी मेरा एवेटिंग दिखा रहा है या फिर हमारी तो ज्वाइनिंग हुई नहीं है फिर भी यहाँ पर ज्वाइनिंग दिखा दिया है एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा जो ये लिस्ट जारी की गई इसकी बात हम कर रहे हैं तो देखे साथियों ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है कि मेरा यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड है उसके अंदर कंफ्यूजन है तो उन सभी कैंडिडेट को क्या करना है 30 मार्च 2023 तक साथियों आपको जो भी आपका रिस्पेक्टिव एम्स है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी है और रिपोर्ट साथियों आपको एम्स न्यू दिल्ली के पास ही करनी है क्योंकि नोट सेट का जो सारा जो काम होता है वो एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है चाहे एग्जाम हो चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी करना हो चाहे एलोकेशन प्रोसेस हो चाहे ज्वाइनिंग प्रोसेस हो सारे जो नोटिफिकेशन हैं वो वहीं से जारी होते हैं अब देखिए साथियों हो यहाँ पर सेकेंड जो राउंड है कहीं ना कहीं अब उतावलापन आप में आएगा कि सेकेंड राउंड अब अगले ही महीने हो जाएगा देखिए साथियों तीन महीने अभी प्रोसेस में लगेंगे तीन महीने पहले से सेकेंड राउंड का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा ये हम आपको बता देते हैं ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल आपको सही और सटीक जानकारी देता है वीडियो को आप शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सटीक जा, जानकारी आपको मिल सके इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं इसी के अलावा साथियों आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं देखिए साथियों सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो मे भी की जुलाई और अगस्त तक आपका आ जाएगा लेकिन हमें लग रहा है कि सितंबर में ही इसका पूरे पूरे चांसेज़ हैं लेकिन आप अगर संभावना मान के चलते हैं आप ये चाहते हैं कि कुछ संभावना हो तो संभावना यही है कि जुलाई और अगस्त तक सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा लेकिन हम एक बार फिर आपको क्लियर कर देते हैं सितंबर से पहले रिजल्ट हमें संभव नहीं लग रहा है अब देखिए साथियों यहाँ पर जो सभी एम हैं जो भी नोट सेट दो में यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए थे उन सभी का जो स्टेटस है वो जारी किया गया है तो एम्स नागपुर है इन्होंने बताया है कि ज्वाइन है वो कर लिया गया है जो एम्स नागपुर है इसने सभी कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी है साथियों एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा भी ज्वाइनिंग दे दी गई है एम्स ऋषिकेश के द्वारा भी ज्वाइनिंग दे दी गई है डॉक्टर आरमवल जो हॉस्पिटल इसके द्वारा भी ज्वाइनिंग दे दी गई आप सभी को याद होगा साथियों हमने एक वीडियो बनाया था कि किस एम्स ने ज्वाइनिंग दी है किस एम्स ने नहीं दी है ज्वाइनिंग जो स्टेटस है इसका एक वीडियो हमने काफ़ी टाइम पहले बना दिया था उसी में हमने आपको सारी जानकारी दे दी थी लेकिन आज एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सारी जो बातें हैं वो क्लियर कट हो गई हैं एम्स रायपुर सभी जो उसकी ज्वाइनिंग आ गई है कलावती सारण हॉस्पिटल शायद में भी बचा होगा स्टेटस आप देख लीजिएगा साथियों पूरी लिस्ट आपके सामने है वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक और बात साथियों आपको बता दें इसी वीडियो में और दूसरी बात साथियों है कि किस एम्स में अभी कितनी सीटें वैकेंट हैं नोट शेड दो जो आने वाला है इसके अंदर अभी और कितना सीट आएंगी नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्योंकि हमने एक आर लगाई थी उसमें हमने ये पूछा है कि किस एम्स में कितनी सीटें अभी वैकेंट हैं कितने नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं कितने कॉन्टैक्ट बेस पे हैं कितने परमानेंट हैं बेड कैपेसिटी क्या है सारे जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उसका जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा जल्द ही आपको इसी महीने के लास्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा धन्यवाद साथियों वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए